सो हे गाइस, आर यू रेडी फॉर द लाइव प्रोजेक्ट? तो यार देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइव होने वाला था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से मैं ये वीडियो को लाइव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट का ये प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन ये लाइव नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हम सिंपली क्या बनाएंगे, एक सिंपल सा काउंटर बनाएंगे जिसमें कि वो क्या करेगा, अपने डिजिट्स को अप करेगा, डाउन करेगा। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अपना टेक्स्ट एडिटर आप लोग ओपन कर लो, जो भी आपका फेवरेट टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, देखो मेरा क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड है, मैंने उसको ओपन कर लिया। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको दो चीजों की जरूरत है अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज करते हो तो। सबसे पहले आप एक्सटेंशन में जाओगे और यहाँ आ जाकर टाइप करोगे आप लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये जो है आपको ये एक्सटेंशन आपके में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक, मैं भी बताऊंगा इसका यूज कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक फोल्डर क्रिएट करो। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ काउंटर, मेरे फोल्डर का नाम होगा, इसी के अंदर हम सारा कोड रखेंगे अपना। ठीक है, और आपको थोड़ी बहुत अगर एचटीएमएल की नॉलेज होगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल पेज बनाएंगे। ठीक, उसके बाद एक सीएसएस पेज बनाएंगे, उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट का हम लोग स्क्रिप्ट पेज बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पेज बनाता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल भी लिख सकते हो और एचटीएमएल लिख सकते हो, दोनों से काम करेगा। तो मैं एचटीएमएल लिख रहा हूँ। अब देखो विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें आप सिंपली बस HTML 5 ऐसे करोगे, कोलोन 5 कर दोगे, एंटर दबाओगे, देखो सारा जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे लाके दे देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ काउंटर, या फिर उसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट काउंटर। ये हो गया गाइस, अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव करता हूँ। अब देखो हमारे काउंटर में बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ हमारे काउंटर में एक हेडिंग हो, ठीक है, जहां लिखा हो जावास्क्रिप्ट काउंटर। ठीक है ना, अब एक एक काउंटर एक नंबर हो जो काउंट हो, मतलब अप हो या डाउन हो। ठीक है, तो मैं उसके लिए बेसिकली क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे H4 टैग में, और ये सिंपली मैं अभी के लिए इस काउंटर को 4 रख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 बटन्स रिक्वायर्ड होंगे। कौन कौन से बटन रिक्वायर्ड होंगे गाइस, 3 बटन्स कोई भी। ठीक है, मैं डिफ टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं 3 बटन क्या करता हूँ, डिजाइन करता हूँ। ठीक है, बटन्स, और मैं क्या करता हूँ इनको आईडी दे देता हूँ, लाइक क्या बटन मुझे चाहिए, एक चाहिए इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज, और एक वैल्यू होनी चाहिए रिसेट करने के लिए, और एक वैल्यू क्या होनी चाहिए डिक्रीज करने के लिए वैल्यू को। अब मैं क्या करता हूँ सबको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी इंक्रीज बटन, ऐसे ही दोनों को मैं क्या करता हूँ एक एक आईडी दे देता हूँ। देखो एचटीएमएल अगर आप जानते हो तो आपको पता ही होगा आईडी क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, तो मैं इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इन सभी को एक आईडी दे दी, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको भी एक आईडी देता हूँ, उसको मैं लगता हूँ बटन कंटेनर। आने वाले वीडियोस में क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है जिसको बूटस्ट्रैप बोला जाता है, मैं आने वाले प्रोजेक्ट में उनको भी यूज करूंगा। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी शुरू नहीं किया है तो यार एक कॉफी कॉफी का कप उठाओ और कोडिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, बिना कॉफी के कोडिंग करने का मजा नहीं आता है। ठीक है ना, इसको ही मैं आईडी देता हूँ क्या, टाइटल के नाम से, जिससे ये पता चले कि हाँ भाई ये टाइटल, और ये रहेगा, ये सिंपली रहेगा क्या, काउंटर। ठीक है, तो देखो ये हमारा बेसिक सा क्या हुआ, HTML तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था ना एक्सटेंशन के बारे में, लाइव सर्वर के बारे में, तो अगर आपके लैपटॉप में वो सर्वर इंस्टॉल होगा तो देखो यहाँ पे आपका आएगा ये गो लाइव करके। ठीक है ना, मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा और देखो ये क्या करेगा, एक सर्वर क्या करेगा ओपन कर देगा। देखो ये, तो ये बेसिक सा हमारा जावास्क्रिप्ट का है स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब देखो हमारा HTML का जो काम था यहाँ पे खत्म हो गया, अब जो भी काम बचा है हमारा CSS का काम बचा है और JavaScript का काम बचा है। ठीक है ना, तो CSS के लिए क्या करना होगा, CSS के लिए बेसिकली आपको जाके यहाँ पे फाइल इंक्लूड करानी होगी जो कि होती है लिंक से। ठीक है ना, यहाँ देखो style.css, क्योंकि जीरो स्टूडियो कोड में सबसे बड़ी बात क्या है, आप थोड़ा सा उसका कोड टाइप करोगे पूरा स्निपेट क्या करेगा उस कोड का यहाँ पे लाके आपको रख देगा। देखा, तो देखो मैंने यहाँ पे फाइल इंक्लूड कर ली style.css, और मैं क्या करता हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्या करता हूँ इंक्लूड करा लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट को मैं नाम रखता हूँ main.js, यहाँ मैं जाता हूँ और दो फाइल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, स्टाइल और सीएसएस। यार देखो जावास्क्रिप्ट की मुझे भी काफ़ी दिन हो गया,
मैं ये प्रोजेक्ट कर ही सीख रहा हूँ कि मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, मतलब थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा इन प्रोजेक्ट्स पे। हालांकि मैंने पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों को करते करते क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कोडिंग वीडियोज के थ्रू मैं क्या करूँ, अपने पीछे जितने भी लैंग्वेजेज हैं उनको थोड़ा एक फ्लो में रखूँ, जिससे वो सब भूले ना। अगर आप भी गाइस लैंग्वेज सीखते हो तो क्या चाहिए कि आप हफ्ते हफ्ते में क्या करो कि कोई ना कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट, बढ़िया सा प्रोजेक्ट क्रिएट करो, जिससे क्या हो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो गाइस यही बेसिकली हमारा काउंटर होगा जो चेंज होगा, बटन की मैं इंक्रीज करूंगा और बटन क्या होगा इंक्रीज होगा, रिसेट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, डिक्रीज करूंगा ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं को मुझे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो फाइल को क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है स्टाइल डॉट सी एस एस और मेन डॉट जी एस। तो किसी को अगर जिसको नहीं पता हो कि सी एस एस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केड स्टाइल शीट। ये क्या करता है, बेसिकली आपके एचटीएमएल को क्या करता है, डिजाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके एचटीएमएल पेज को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक देखो अगर मैं फेसबुक पे जाऊँ यहाँ पे ना, तो ये देखो ये जो फेसबुक है उसको हटाओ, कोई भी पेज ले लो, लाइक गूगल ले लेता हूँ, सिंपल सबसे रहेगा। तो देखो यार ये गूगल है, ठीक है, अगर इसमें से हम सी एस एस क्या करें निकाल दें तो ये कैसा हो जाएगा आपको पता है, ये सिंपल बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे गूगल लिख के आएगा, यहाँ पे इनपुट बॉक्स लिख के आएगा और यहाँ पे दो बटन आएंगे सर्च करने के लिए और आई एम फ्री लगने के लिए। लेकिन किसी ने क्या किया है, सी एस एस का यूज करके इसको ऐसे बना दिया है। इसका जो डिजाइन देख रहे हो गूगल ऐसे लिखा हुआ है, इनपुट बॉक्स कितने अच्छे से आ रहा है, फिर ये बटन देख रहे हो गूगल सर्च आई एम फील नथिंग एसेस करके आ रहा है। तो ये सारा कमाल सी एस एस का। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो भी है वो सर्च हो जाएगा। लाइक मैं सर्च करता हूँ सेवेज आरुष, अब यहाँ पे मैं गूगल सर्च करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो कर दे रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है सीखने को, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है गाइस। मैं इस पर वीडियोज बनाऊंगा, इस पर भी ट्यूटोरियल मैं शुरू करूंगा। चलो फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं वो करते हैं। तो यार ये हमारा बेसिक सेशन से क्या हुआ, तैयार हो गया। हम जाते हैं स्टाइल और सीसेस को चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक करके देखता हूँ, अगर ये काम कर रहा होगा तो बैकग्राउंड कलर देखो ब्लैक हो गया, देखा। तो देखो यार ये जो लाइव सर्वर मैंने आपको इंस्टॉल करवाया, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि अगर ये लाइव सर्वर आपके लैपटॉप में नहीं होता तो मैं क्या करता, बार बार सेव करके इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता तब जाके ये रिफ्रेश होता। लेकिन ये लाइव होने का मतलब ये है कि आप कुछ भी चेंज करोगे तो एड सर्टेनली वहाँ पे क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो चेंज वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। लाइक देखो मैं यहाँ पे रेड कर दूँ और जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया देखो यहाँ पे कलर रेड हो गया, देखा। तो लाइव सर्वर का मतलब ये होता है। तो देखो हमारा जो सी एस एस है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसका मतलब वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं दो चीज लाइक मार्जिन में जीरो कर देता हूँ और पैडिंग भी क्या करता हूँ मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये पैडिंग और मार्जिन क्या हो गया, जीरो। तो देखो गाइस अगर मार्जिन पैडिंग आपको नहीं पता है, मार्जिन क्या होता है कि कोई भी ये जो सपोज ये कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ऊपर से कंटेनर के ऊपर से मान लो ये बॉक्स है, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो ये देखो सपोज ये जावास्क्रिप्ट काउंटर है, ये क्या है कंटेनर है, तो इसके बाहर जो स्पेस है वो मार्जिन होता है और इस कंटेनर के अंदर जो स्पेस होता है वो उसको पैडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के क्या किया हूँ, जीरो जीरो कर दिया, ठीक है ना। आप देखो मैंने यहाँ सभी चीजों को अलग अलग से आईडी दी हुई है, इसको मैंने एचडी दिया है, इसको टाइटल दिया है, इसको काउंटर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको मैं इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे। लाइक देखो मैं यहाँ पे इसको टाइटल दिया हूँ ना, मैं स्टाइल पे जाता हूँ और हैशटैग टाइटल टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको मार्जिन टॉप मान लो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो, जिससे क्या होगा ये चीज ऊपर से मार्जिन को 20 पिक्सल छोड़ देगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको करता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, देखा। तो
तो जावास्क्रिप्ट हमारा क्या होगा सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ उसके फंड को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लाइक फंड में गया और फंड फैमिली में चूज करता हूँ कोई भी लाइक वेड आना। फंड साइज को भी मैं क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ 40 pixels और मैं क्या करता हूँ फंड वेट को भी चेंज कर देता हूँ, बोल्डर कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड हो गया देखो। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जावास्क्रिप्ट काउंटर। इसको आप चाहो तो फंड साइज और बड़ा कर सकते हो, लाइक मैं अगर इसको 50 कर दूँ और मार्जिन थोड़ा ऊपर से मैं इसको 30 कर देता हूँ तो देखो अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जावास्क्रिप्ट काउंटर हमारा रेडी हो गया और ये देखो भाई हमारा क्या है, ये है काउंटर। अब मैं इसको क्या करता हूँ एडिट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली यहाँ पे जाता हूँ काउंटर और इन सभी को मैं कॉपी करता हूँ जो अंदर का मैंने CSS यहाँ पे डाला हुआ है, कॉपी पेस्ट देखता हूँ कैसा दिखता है। ठीक लग रहा है लेकिन मैं इसको इसकी साइज को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, लाइक हमारा मेन काउंटर तो यही है ना, देखो 80 हो गया। देखा गाइस ऐसे ही काम करता है, मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ 100 pixels करता हूँ एंड ये देखो सही है। आप चाहो तो कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो। पहले मैं क्या करता हूँ बेसिक एक CSS स्टाइल तैयार करता हूँ, फिर मैं जावा स्क्रिप्ट करके बताऊंगा और थोड़ा डिजाइन भी चेंज करेंगे हम लोग आगे चलते हुए। अब हम क्या करते हैं गाइस, ये जो बटन्स का एरिया है इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो मैं इसको लेता हूँ बटन कंटेनर को, इसको मैं पहले क्या करता हूँ इसको मैं पहले सेंटर अलाइन करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे मैं गया और टाइप किया बटन कंटेनर, ठीक है। तो इसको मैं मार्जिन क्या करता हूँ थोड़ा 50 pixels रखता हूँ, ऑटो और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और ये देखो हमारा ये बटन क्या हुआ सेंटर में हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा बॉडी को ऊपर से मैं लाइक 50 pixels और इसको भी ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। इसी की सारे चीज़ें सेंटर में आ पूरा अलाइन करती हूँ मैं, इसे कैसे भी चेंज करूँगा। तो देखो ये सेंटर में है, इससे करने से बॉडी को सेंटर करने से ये फायदा होता है कि पूरा आपका जो ये बॉडी होगा सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है हमारे बटन्स को डिजाइन करने की, ठीक है। तो इस मैं चाहता हूँ सभी बटन्स को क्या करूँ एक ही साथ डिजाइन करूँ और अच्छे से डिजाइन करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो CSS में मान लो आप चाहो तो इंडिविजुअली भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, लाइक इंक्रीज बटन और मैं यहाँ पे करता हूँ डिक्रीज बटन और यहाँ पे मैं रीसेट बटन टाइप करता हूँ। तो देखो ये मेरे ख्याल से सबसे इंक्रीज डिक्रीज एंड रीसेट बटन देखा ना। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा बटन को डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा मुझे, इनके बीच की थोड़ी मार्जिन को थोड़ा मुझे बढ़ाना होगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे टाइप करता हूँ मार्जिन लेफ्ट लेट्स से 40 pixels नहीं 50 pixels करते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखा दोनों के बीच के स्पेस थोड़े बढ़ गए। लेकिन ये थोड़ा हमको इधर लग रहा है, इसको मार्जिन अभी नहीं वो करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं या फिर इसको हटा ही देता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर को क्या करते हैं चेंज करते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में करता हूँ 10 pixels जिसे थोड़ा कर्विश हो जाए, ये देख 10 नहीं ज़्यादा हो गया, इसको मैं करता हूँ 5 pixels अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा मैं पैडिंग बढ़ा देता हूँ, अप राइट 20 pixels बढ़ाता हूँ और लेफ्ट राइट में मैं 30 pixels बढ़ा देता हूँ, नहीं ज़्यादा भद्दा लग रहा है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, अब सही लग रहा है ना थोड़ा।
हाँ गाइस ये अब सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा कलर वगैरह भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लाइक इसको मैं 20 कर दूँ और इसको मैं 40 करके देखूँ तो कैसा लग रहा है। हाँ ठीक ही लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है ना। और मैं क्या करता हूँ, फंड चेंज करता हूँ उनका, फंड एक, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं ट्राई करता हूँ उसको। 16 पिक्सल, आप सिंगल लाइन में सारे सारी चीज़ों को कर सकते हो। और यहाँ पे रहेगा एरियल वर्डाना, एरियल फंड को एरियल ले लेता हूँ, और इसको रहेगा बोल्ड, ठीक है ना। एरियल नहीं यहाँ पे काम कर रहा है, कैलिब्री ये भी नहीं काम कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको अलग अलग ही करते हैं। फंड फैमिली में देता हूँ, कोई भी बढ़िया सा फंड भाई आ जा, ये प्रीव्यूचिस्ट है, काफी अच्छा फंड है। हाँ फंड साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, फंड साइज 20 पिक्सल्स ठीक रहेगा। फंड के वेट को बढ़ाता हूँ, फंड वेट को थोड़ा बोल्ड रखता हूँ, बोल्ड रखेंगे है ना, अब सही लग रहा है। थोड़ा बॉर्डर रेडियस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 8 पिक्सेस कर देते हैं। आप देखो सही लग रहा है थोड़ा ये, है ना। तो ये रहा हमारा गाइस बेसिक सा CSS का स्टाइलिंग। आप चाहो तो पीछे के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह, वो भी हम लोग करेंगे। अब ये देखो यहाँ तो ये डिजाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा बटन के बीच में थोड़ा स्पेस, तो मैं क्या करता हूँ, ये बीच वाले बटन को लेता हूँ अलग से, मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ यहाँ पे रिसेट बटन। और यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट राइट थोड़ा मैं रख देता हूँ 30 पिक्सल्स, मार्जिन राइट को मैं रखता हूँ 30 पिक्सल्स, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 50 50 50 करते हैं इसको, 50 50। तो ये देखो यार ये अब सही लग रहा है पहले से, ठीक है ना, अब सब सही जा रहा है। ये देखो बटन हमारा बन गया, और ये जावास्क्रिप्ट काउंटर भी काम कर रहा है ना। इतना तो अब हो गया, अब चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा और भी डिजाइनिंग हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक पूरा एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, फिर एट द लास्ट तो फाइनल टचअप करेंगे, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करना है, हमको जाना है main.js फाइल में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सिंपल मैं चेक करता हूँ हमारा जावास्क्रिप्ट काम करता है कि नहीं। और यहाँ मैं टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, तो इंस्पेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+I। तो देखो यहाँ पे काम कर रहा है, लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा, हेलो आरुष, तो ये देखो ये भी चेंज हो गया, हेलो आरुष। मीन्स ये जावा हमारा जो ये पेज है काम कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इन बटन्स को क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स में क्या क्या मैं लूंगा, इस काउंटर को भी मैं लूंगा और इन तीनों बटन को भी मैं लूंगा। तो कैसे, देखो मेन पे जाओ और यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्टेंट, या फिर लेट करते हो, लेट लेट काउंटर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड, ठीक है, हैशटैग काउंटर। अब देखो ये सिलेक्टेड हो गया, लेट इंक्रीज बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड, मैंने इसको भी ले लिया भाई इंक्रीज, ये भी आ गया, इसको
पूरे लाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। डिग्रीज ये भी गया, डिग्रीज इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर रहेगा रिसेट, रिसेट बटन, और ये भी हो जाएगा रिसेट बटन। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किया हुआ है। तो टेक डेटा फ्रॉम HTML, ठीक है, यहाँ इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पे जाके काउंटर टाइप करूंगा, देखो ये क्या कर रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है। मैंने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसको मैंने कैप्चर कर लिया है अपने पेज में। ऐसे ही इंक्रीज बटन को भी किया है, ऐसे ही डिक्रीज बटन को भी किया है, और ऐसे ही रिसेट बटन को भी किया है। ठीक है ना, अब ये देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इंक्रीज बटन को थोड़ा इवेंट इस पे डालता हूँ। मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, देखो इंक्रीज बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, क्लिक, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन देता हूँ इंक्रीज काउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन एक क्लियर डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन इंक्रीज काउंट, और यहाँ पे कंसोल लॉग इंक्रीज बटन हैज बीन क्लिक। तो बेसिकली मैं सिर्फ ट्राई मार रहा हूँ कि काम कर रहा है कि देखो इंक्रीज मैंने क्लिक किया, और देखो यहाँ पे क्लिक किया गया इंक्रीज बटन हैज बीन क्लिक। यहाँ पे मैंने इवेंट सेट कर दिया है कि जब भी कोई भी बंदा इस पे इंक्रीज बटन पे क्लिक करेगा तो देखो ये फायर अप होगा। ठीक है ना, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को काउंटर को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। कैसे करूंगा वो देखना, सबसे पहले क्या करते हैं इसको बना लेते हैं, इंक्रीज हो गया और रिसेट वाला भी हो गया। तो यहाँ गया मैं, डी हो गया और ये हो गया रिसेट, ऐसे ऑन क्लिक डी हो गया और ये हो गया रिसेट बटन, ऐसे ही दो और भी दो फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन। यार देखो ये 5 मिनट का 10 मिनट का प्रोग्राम है, ज़्यादा हैवी नहीं है, मैं स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सोचा हूँ इजी से स्टार्ट करूँ। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इजी से स्टार्ट करने में। तो ये देखो ये हमारा बेसिक सा जावा स्क्रिप्ट बस हमारा ख़त्म हो गया गाइस, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ करना है मुझे, काउंटर डॉट इनर HTML, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिलहाल जीरो रखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जीरो से हटा देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अभी हमारा ये जीरो है। अब देखो ये जो HTML है, ये पूरा HTML अब मेरे JavaScript से कंट्रोल होगा, मैं जैसे चाहूँ वैसे ही इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ JavaScript के थ्रू। कैसे करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना काउंटर डॉट इनर HTML जीरो, मैं इसको वन करूँगा, देखो अभी वन हो गया। ठीक है ना, टू करूँगा, देखो टू हो गया। ठीक है ना, देखा ये ऐसे मैनिपुलेट होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई बंदा इस पेज को ओपन करेगा तो ये काउंटर जीरो पे सेट रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से इंक्रीज करेगा वो, या रिसेट करेगा या डिक्रीज करेगा तो चेंज होगा। ठीक है ना, तो ये देखो इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज बटन जब भी मैं टाइप करूँ तो मैं क्या चाहता हूँ काउंटर क्या हो, काउंटर प्लस इक्वल्स टू वन हो जाए, और डिक्रीज को मैं करूंगा तो काउंटर माइनस इक्वल्स टू वन हो जाए, और रिसेट को क्या करूंगा यहाँ पे इफ काउंटर इक्वल्स टू जीरो, तो मैं चाहता हूँ अलर्ट जाए काउंटर इज ऑलरेडी एट जीरो। ठीक है ना, else काउंटर इक्वल्स टू जीरो। तो देखो इतना करने से क्या होता है, इतना करने का क्या मतलब होगा, यहाँ पे जो भी बंदा इंक्रीज बटन को क्या करेगा, क्लिक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा ये काउंटर क्या होगा बाय वन क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज बटन पे क्लिक करेगा तो काउंटर क्या करेगा माइनस वन क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है,
यहाँ मुझे इस स्टेटमेंट को क्या करना है, डिक्लेयर करना, जैसे कि देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं अब माइनस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो अभी फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखो लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिर से काउंटर टाइप करूँ, काउंटर डॉट, तो देखो काउंटर की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ऐसे ही मैं रिसेट करूँगा, अब देखो यहाँ पे मैं काउंटर टाइप करूँगा 0। तो देखा बटन यानी कि काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा डेटा को। तो अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट किया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ ये भी चेंज हो। तो यार देखो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, देखो अभी तक तो सब सेट है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैल्यू तो चेंज हो जा रही है लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके इसको करूँगा यहाँ पे मैं काउंटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब देखो ये वैल्यू मुझे आ गई, ठीक है ना, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे एग्जैक्टली 0 यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेट करता हूँ इक्वल्स टू या फिर प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, इनको मैं इंक्रीज करूँ तो देखो ये ऐसे हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज। तो देखा ये वैल्यू लगी इंक्रीज, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज काउंटर भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इफ काउंटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू 0, एक मैसेज आएगा काउंटर इज ऑलरेडी एट 0, एल्स काउंटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखा इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे हटाता हूँ। अब देखो हमारा प्रोग्राम फिट है, अब देखो इंक्रीज करूंगा इंक्रीज होगा, डिक्रीज करूंगा डिक्रीज होगा, लेकिन देखो ये माइनस में जा रहा है, तो मुझे माइनस में नहीं चाहिए ना, कोई भी काउंटर माइनस में थोड़ी ना होता। तो देखो यहाँ मैं क्या करूंगा, बेसिकली डिक्रीज काउंटर यहाँ पे मैं इफ एल्स लगा दूंगा, इफ काउंटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ जाएगा मैसेज आएगा अलर्ट काउंटर इज एट 0, अदरवाइज एल्स में ये होगा। देखा अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स हो जाएगा काउंटर इज एट 0, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होगा। मैं इंक्रीज करूंगा इंक्रीज हो जाएगा, रिसेट करूंगा 0 हो जाएगा, फिर से रिसेट करने की कोशिश करूंगा लिखेगा काउंटर इज ऑलरेडी एट 0। तो देखा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। तो हमारा देखो काउंटर बन के अब तैयार हो गया है, अब इसके आगे आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया, डिक्रीमेंट हो गया शुरू, रिसेट 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो हमारा काउंटर बन के तैयार हो गया है, अब क्या करना है, थोड़ा और डिजाइनिंग करते हैं, क्या करते हैं देखो स्टाइल में जाता हूँ मैं, बैकग्राउंड चेंज करने की कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली गया गूगल पे, कलर यानी क्या वेबसाइट थी मुझे याद नहीं आ रही, वो कलर इन CSS, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कलर CSS खुलेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, HTML में क्या होता है, कलर आप या तो नेम से दे सकते हो या फिर आप उनका एक कोड आता है RGB करके, आप उनको भी डाल सकते हो, नहीं तो ये हैश वाला कोड डाल सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे कोई कलर लेता हूँ, कौन सा कलर नहीं समझ आ रहा है, ये लेते हैं ना क्रीमी लेते हैं, हेक्स वैल्यू लेते हैं उसकी, क्रीमी कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर सही लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है ना। तो यार देखो ये बेसिक सा काउंटर है, आप थोड़ा चाहो तो और डिजाइन कर सकते हो, मैं चाहता हूँ और ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, तो मैं बॉडी मार्जिन को ऊपर थोड़ा 100 करता हूँ, इसको 50 रहने दो, टाइटल के ऊपर इसको कर दो 60, तो यार देखो हमारा जो सिंपल काउंटर एप्लीकेशन है बन के रेडी हो गया है और ये सब काम कर रहा है, रिसेट डिक्रीज।
तो यार आप भी इस कोड को करो, और आप चाहो तो थोड़ा और इस कोड को डिजाइन कर सकते हो, जो भी यहाँ पे बेसिक सीएसएस मैंने डाला है, आप थोड़ा और इसको ब्राइट और भी कलरफुल बना सकते हो चाहो तो। लाइक बटन से कलर को आप चेंज कर सकते हो, मैं अगर चेंज करूँ बटन को, यहाँ पे बटन का कलर को बैकग्राउंड कलर, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे कोरल। हाँ गंदा लग रहा है, स्काई ब्लू। बॉर्डर हटा देते हैं, आप चाहो तो बॉर्डर हटा सकते हो, बॉर्डर स्टाइल इक्वल्स टू, इसको मैं डालता हूँ इनसेट। तो देखा ये थोड़ा सही लग रहा है, देखा। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऑफसेट पे, अब ज्यादा सही लग रहा है। तो गाइज ये हमारा बेसिक सा काउंटर था, और अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक क्या होगा, मैं जावास्क्रिप्ट का दूसरा प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा हम लोग एक लेवल ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको और भी अच्छे से हर चीज़ें आना शुरू हो जाए। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोजेक्ट था। मैं इसके प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, अपने गिटहब रिपोजिटरी पे क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग जाके वहाँ पे इस कोड को देख सको कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है ना। तो जिनको नहीं पता गिटहब क्या होता है, गिटहब एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग इस कोड को स्टोर कर सकते हैं, अपने कोड्स को स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि पब्लिकली वो अवेलेबल हो, उनको कोई भी क्या करे डाउनलोड करके उनको देख सके, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सी यू।